नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 1 लाख पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो है वो घोषणाएं की गई। बहुत बार ऐसी घोषणा हुई कि 1 लाख पदों पर हम लोग भर्ती करेंगे, लेकिन उसके बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसके दायरे से बाहर हो जाती हैं। पदोन्नति से पद भरने के लिए भी लोग मजबूर हो जाते हैं, यानी कि सीधी भर्ती में उनको व्यक्ति नहीं मिलते हैं। नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में इस प्रकार से पूरी विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें इन हाउस विज्ञप्ति स्टेनोग्राफर के पदों की संख्या 1 है, जो कि 50% पद जो है उसके लिए सीधी भर्ती के थे और 50% जो है वो पदोन्नति भरे जाने थे, लेकिन स्टेनोग्राफर का पद जो है वो पदोन्नति से भरा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप, स्टोर कीपर के पदों की संख्या 2 है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों की संख्या 1 है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्टेनोग्राफर में जो पदों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं दी गई हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर 5 वर्ष का अनुभव, यानी कि जो स्टेनोटाइपिस्ट होगा वही इसमें चयन होने के लिए पात्र होगा। यानी कि हम लोग ये कहेंगे कि जो स्टेनोटाइपिस्ट पे 5 वर्ष का जिसका कार्य अनुभव है, मान लिया कि जैसे 28 तारीख को किसी ने, 28 दिन को किसी का जो 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो वही एलिजिबल रहेगा इसमें। तो दोस्तों अगर आप लोग ये जो 13 चिकित्सा महाविद्यालय में से किसी में आप लोगों ने कार्यरत कोई बंधु है, अपना भाई है, तो कोई उसके लिए स्टेनोग्राफर के पदों की संख्या, स्टेनोटाइपिस्ट की में 5 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए रहेगा और 100 शब्द प्रति मिनट के यहाँ पर स्टेनोग्राफर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। स्टोर कीपर के लिए दोस्तों सहायक ग्रेड 3 के पदों पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में डॉक्यूमेंटिस्ट के पद पर 5 वर्ष का अनुभव। तो दोस्तों यहाँ पर इन हाउस पूरी विज्ञप्ति है, अनुसूची के अनुसार जो है 50% पद जो है पदोन्नति से और 50% सीधी भर्ती से, यानी कि एक पद है तो आप लोग आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उसको भरा जाना चाहिए। आरक्षण जो है वो इस प्रकार से, आरक्षण रोस्टर एकल पद पे लागू नहीं होता है दोस्तों। आयु सीमा जो है 25 वर्ष और अधिवार्षिक की आयु 62 वर्ष, यानी कि आयु की गणना 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। सामान्य शर्तें और निर्देश आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ये पूरी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा चुका हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। जय हिंद दोस्तों।